हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का वीडियो, आज हमारे साथ सात्विक सैनी मौजूद हैं दोबारा से बहुत दिनों बाद। और नमस्कार। सात्विक, बहुत बहुत स्वागत है आपका एकलव्य थैंक एस्ट्रोलॉजी यू में। और सात्विक आज हमारे साथ अपना एक रिसर्च शेयर करने वाला है राहु केतु के गोचर के ऊपर, नाड़ी के पर्सपेक्टिव से, कि नाड़ी की जो टेक्निक्स है राहु केतु की, उसके ऊपर अपना एक रिसर्च हमारे साथ शेयर करेगा। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए सात्विक सैनी, बताइए। ओके सर। तो सर सबसे पहले तो आपका थैंक यू, आपने मुझे चैनल पे बुलाया। मैं बड़े टाइम से सोच रहा था कि कोई वीडियो बनाते हैं, पर आज मेरे को एक ऐसा टॉपिक मिला जिसमें मैं काफी दिनों से रिसर्च कर रहा था और आज रिसर्च पूरी हो गई क्योंकि मैंने काफी टेस्टिंग करी। अच्छा एक्चुअली जब टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की बात होती है तब सबसे पहले दशा सिखाई जाती है, लेकिन अगर बिल्कुल दशा के जाल में कोई आदमी फंस गया ना, जब तक उसको एक दो चीजें पता है तब तक तो फिर भी ठीक है। हाँ जैसे ही वो ज्यादा नॉलेज लेने जाएगा उसको लगेगा कि दशा से बड़ा स्कैम कोई हो ही नहीं सकता। हाँ आपको लगता है दशा काम नहीं होती। मोर देन 50 दशाज, हर दशा की 3 या 4 वेरिएशन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर ऋषि हर ऑथर ये बोलता है कि मेरी वाली वेरिएशन मेरी वाली कैलकुलेशन ज्यादा एक्यूरेट है। कालचक्र दशा का एग्जाम्पल लेते हैं, SMG की कैलकुलेशन है जो सारे यूज करते हैं और मेरे ओपिनियन में वो अच्छी काम करती है, लेकिन KN राव जी की भी कैलकुलेशन है। अच्छा कुछ तमिल तमिल वर्जन भी है कालचक्र दशा के। ऐसे बिल्कुल बहुत सी कैलकुलेशन। अब विम श्रोत्री का बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। विम श्रोत्री की इतनी वेरिएशंस हैं, सत्याचार्य ऋषि बोलते हैं कि उस नक्षत्र से विम श्रोत्री दशा स्टार्ट करो जो ज्यादा स्ट्रांग है, जन्म नक्षत्र यानी चंद्रमा का नक्षत्र या लगन का नक्षत्र, हाँ दोनों की स्ट्रेंथ देखो। अब स्ट्रेंथ देखने के लिए कितने रूल्स आपको लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ये सत्यचारी ऋषि का व्यू है। लोमश ऋषि तो एक स्टेप ऊपर है, वो बोलते हैं विम श्रोत्री दशा की 2 वेरिएशन है। एक, अगर आदमी का जन्म जो हुआ है वो सूर्य के होरा में हुआ है, सूर्य के होरा में, और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है तो अच्छा कृतिका नक्षत्र से दशा लगेगी। हाँ बिल्कुल और अगर चंद्रमा के होरा में लगन है, मतलब लगन अगर चंद्रमा के होरा में है और चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, तो आर्द्रा नक्षत्र से दशा लगेगी। उन्होंने विमशोत्री दशा को भी कंडीशनल कर दिया और ये कंडीशन आई थिंक 50% चार्ट्स पे ही मैच हो पाएगी। ये लगन का चंद्रमा के होरा में होना, सूर्य के होरा में होना, साथ में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। बहुत कम परसेंट। उसके बाद एक स्टेप आगे एसके मेहता जी ने बोल दिया कि अब आप लॉन्जिविटी कैलकुलेशन करो। अगर 80 साल तक आदमी जी रहा है तो त्रिभागी दशा ही एप्लीकेबल होगी, 1/3 जो होगी उनकी, सॉरी 2/3 जो 80 साल का, क्योंकि विमशोत्री दशा को बोलते हैं 120 ईयर्स का टाइम स्पैन है। बिल्कुल बिल्कुल अगर 2/3 कर दो तो वो 80 साल आ जाएगी, जो कि मैक्सिमम आदमी आजकल इतना ही उनकी लाइफ है। फिर हाँ उसमें खंडा दशा एक और टाइप की है जो 1/3 है, 40 ईयर्स। अगर किसी की लॉन्जिविटी बहुत ही कम है तो उसमें वो एप्लीकेबल होगी। बस बिल्कुल अभी विमशोत्री दशा की बात मैं कर रहा था। आप मुझे बताओ, एक दशा में ही इतनी वेरिएशंस है बिल्कुल और हर आदमी यही बोलेगा मेरी कैलकुलेशन एक्यूरेट है। ऐसे में आप कम से कम 50 दशाएं हैं, चर दशा की कितनी कैलकुलेशन है, KN राव जी की अलग कैलकुलेशन, इरांती रंगाचार्य जी की अलग कैलकुलेशन, पराशरा की अलग कैलकुलेशन। तो आदमी तो इसी चीज में फंसा रह जाएगा, क्या सही है क्या गलत। बिल्कुल तो ऐसे में हमें ऐसे सिस्टम पे रिलाय करना है जो स्टेबल हो, हाँ जो फिक्स्ड हो, बिल्कुल जिसमें इतनी एक्सेप्शंस नहीं आए बीच में। और बिल्कुल ऐसा एक ही सिस्टम है, नाड़ी ट्रांजिट्स। बिल्कुल अब अगर जुपिटर अगले महीने की 13 तारीख को मीन राशि में गोचर कर रहा है तो वो करेगा ही। करेगा ही आप अयामशा चेंज कर लो, ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन 1 महीने का गैप आ जाएगा ऊपर नीचे, लेकिन बिल्कुल जाएगा तो मीन ही राशि में। बिल्कुल अयामशा चेंज करने से थोड़े से दिनों का गैप आ जाएगा, हाँ थोड़ा सा ऐसा तो कोई बहुत बड़ी एक्सेप्शन तो आने नहीं वाली। और हमारा बर्थ चार्ट क्या है, जिस टाइम पे हम पैदा हुए उस टाइम का ट्रांजिट।
बिल्कुल तो ये एक ऐसा रिलायबल सिस्टम है ट्रांजिट जिस पे हम रिलाय करके टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के ऊपर एक एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स के साथ प्रेडिक्शन इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि दशा में फिर एक और कंट्रोवर्सी होगी चंद्र लगन और लगन। हाँ एग्जैक्टली चंद्र लगन से ये टेंथ लॉर्ड है, अच्छा ये भी जॉब देगा। लगन से ये टेंथ लॉर्ड है, ये भी जॉब देगा। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है वो जॉब देगा। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, इसलिए ट्रांजिट्स के ऊपर मैंने काम करना शुरू करा है। और एक ये जो मैंने टेक्निक निकाली ये मैं सैटर्न और राहु के ट्रांजिट के ऊपर आज शेयर करूंगा। बेसिकली इसका मैं बैकग्राउंड बताता हूँ, मैं डीकोड कैसे करी। केएन राव जी की एक टेक्निक है, शनि में राहु की दशा या राहु में शनि की दशा, मतलब शनि में राहु का अंतर या राहु में शनि का अंतर। इट्स द दशा ऑफ नेचुरल किलर्स, मारक दशा। हाँ अब जरूरी नहीं है कि आदमी की डेथ हो, लेकिन उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स इस दशा में आती है ब्रॉडली स्पीकिंग। हाँ एक्सेप्शंस भी होंगी, क्या होता किसी का राहु शनि योग कारक हो। बिल्कुल, और कई बार तो होता है कि परिवार में डेथ हो रही है, परिवार में डेथ हो रही है, या इस तरीके से भी होता है, जरूरी नहीं कि ये आपकी। यस, तो ये एक दशा प्रिंसिपल था। तो मैंने यहीं से एक चीज देखी, ऑब्जर्व करी कि शनि, क्योंकि नाड़ी के अंदर चार प्लैनेट्स के ट्रांजिट के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। सबसे पहले शनि बिल्कुल जो 2.5 साल एक राशि में रहता है, दूसरा जुपिटर बृहस्पति जो 1 साल एक राशि में रहता है, ठीक है। और तीसरा राहु केतु जो 1.5 साल एक राशि में रहता है। मैंने एक ऑब्जर्वेशन निकाल ली, और कुछ नाड़ी बुक्स में ये चीज ऑलरेडी मेंशन भी थी, कि हाँ जब जब सैटर्न का ट्रांजिट राहु के ऊपर होगा बिल्कुल या राहु का ट्रांजिट सैटर्न के ऊपर होगा, वो आदमी की लाइफ का बहुत खराब पीरियड होगा, काफी मारक पीरियड उसको बोल सकते हैं। जरूरी नहीं आदमी की डेथ हो, उसके क्लोज रिलेशन में किसी की डेथ हो सकती है, हेल्थ इश्यूज, जॉब बिल्कुल में प्रॉब्लम, करियर में इश्यूज, किसी भी तरह की नेगेटिव इवेंट जो आप सोच सकते हो, एक्सीडेंट्स ये होंगे। हाँ बिल्कुल अब ये होगा बिल्कुल कब कब? शनि 30 साल लेगा एक राउंड पूरा करने को। ठीक है। शनि राहु के ऊपर 30 साल में एक ही बार जाएगा, बिल्कुल और राहु केतु 18 साल लेंगे एक राउंड पूरा करने को। हाँ राहु केतु शनि के ऊपर से 18 साल में एक ही बार जाएंगे। और वहां अगर मैं दशा की अब बात करूं ना, आप मेरे को बताओ कितनी बार आपकी 10th लॉर्ड की दशा रिपीट होगी? बहुत बार के अंदर में तो हर 4-5-6 महीने में एक बार आ जाएगी, एग्जैक्टली अंतर में भी काफी टाइम में रिपीट होती रहती है, हाँ और इवेंट्स होते ही नहीं। हम फिर सोचते हैं मेरी दशा थी लेकिन इवेंट नहीं हो रहा। आदमी को लगता है मेरी 10th लॉर्ड की दशा आ रही है, कभी प्रत्यंतर में आ रही है, कभी अच्छा कभी कालचक्र दशा में मेरी 10th हाउस की राशि की दशा चल रही है। इस तरह लोग कॉन्सेप्ट निकालते रहते हैं और बोलते हैं रिजल्ट ही नहीं आ रहे। एग्जैक्टली उनके दिमाग में होता है कि मेरी जो भी दशाएं चल रही हैं, जो मैं देखता हूँ 4 से 5 दशाएं, उसका कनेक्शन 10th से होना चाहिए बस। बट सब लोग ये भूल जाते हैं कि ट्रांजिट जो है वो तो हमने चेक ही नहीं करा। ट्रांजिट इज अ डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी, और डायनेमिक पार्ट है उसको बहुत। उसके बिना कोई भी दशा, ट्रांजिट के साथ ही दशा चलती है। ट्रांजिट जितना अच्छा होगा दशा भी उतनी अच्छी होगी। और सर मेरा तो और ये ओपिनियन है कि ट्रांजिट पहले देखो, दशा बाद में, बिल्कुल उसी से पता चलता है कि और क्या चार्ट हो रहा में है। ट्रांजिट की प्लेसमेंट है तो हम दशा, तो क्योंकि अगर आप भृगु नाड़ी, अगर आप भृगु नाड़ी और भृगु संहिता में जो चार्ट्स है उसको गो थ्रू करो, खासकर एक ऑथर है हमारे शंकर अडवाल जी, हाँ उन्होंने भृगु संहिता में किताब लिखी है भृगु के ऊपर। ठीक है। उन्होंने जो भृगु रीडिंग्स में जो चार्ट्स होते थे उसको वहां पे डाला है, तो वहां पे ऋषि जो प्रेडिक्शंस दे रहे हैं उसे गोचर के ऊपर दे रहे हैं। हाँ काफी ऐसी नाड़ियां हैं जहां पे ऋषि पूरा गोचर के ऊपर प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, और लॉजिक के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, कि सैटर्न कर्मकार का वीनस के ऊपर जा रहा है, शादी हो रही है, हाँ बिल्कुल जुपिटर वीनस के ऊपर जा रहा है, लक्ष्मी आ रही है। और ये ऐसी चीजें हैं जो सालों में एक बार होंगी। 30 साल में शनि एक बार राहु के ऊपर जाएगा, 18 साल बिल्कुल में एक बार राहु शनि के ऊपर जाएगा। तो आप खुद देख लो कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी दशा जो हर हफ्ते कोई ना कोई रिपीट हो ही रही होती है। एग्जैक्टली तो ये टेक्निक थी। अब हम चार्ट्स देखेंगे किस तरह शनि का राहु के ऊपर गोचर, राहु का शनि के ऊपर गोचर इज काइंड ऑफ मारक। मारक मतलब बुरा रिजल्ट देगा वो। ओके पहला चार्ट सर इंदिरा गांधी जी का, अगर आप खोल सकते हो तो प्लीज।
ओके अब्राहम लिंकन का, ओके अब्राहम लिंकन के चार्ट से शुरू करते हैं। चलिए अब्राहम लिंकन, ये अब्राहम लिंकन का चार्ट है। ये अब्राहम लिंकन कुछ लोग बोलेंगे कि जीरो डिग्री का लगन है कैसे एक्यूरेट है, तो उनको एक टेक्निक बताता हूँ। जे एन भसीन जी की एक टेक्निक थी, जुपिटर एंड वीनस ऑक्यूपाई सेकंड हाउस, पर्सन मे हैव नॉलेज ऑफ लॉ, और इफ जुपिटर और वीनस हैव एनी कनेक्शन विद सेकंड हाउस, पर्सन मे बिकम ग्रेट लॉयर और हैव नॉलेज ऑफ लॉ। ग्रेट, ये पढ़ी, ये बिल्कुल, मैं जस्ट अभी रिकॉल कर रहा हूँ एक लॉयर का चार्ट है ना, तुम्हारे अलावा भी, तुम्हारे अलावा हे दैट पर्सन हैज, मेरे चार्ट में तो आप पहचान गए कि जुपिटर वीनस परिवर्तन है सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस में। हाँ, उसका भी परिवर्तन ही है, बट दैट इज वर्गो लग्न। ओके, मतलब जुपिटर वीनस का सेकंड से। हाँ है, बिल्कुल है, वह भी लॉयर बनता है। अब्राहम लिंकन का सबको पता है कि इनको लॉ की अच्छी नॉलेज थी, एज अ लॉयर भी इन्होंने काफी प्रैक्टिस करा है अपने करियर में, लॉ के जरिए ही ये पॉलिटिक्स में आए थे। दूसरा टेंथ लॉर्ड करमकार का भी नाइन्थ में है, और टेंथ हाउस में शनि है। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्म था जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, जो स्लेवरी थी वो खत्म करना। सैटर्न रिप्रेजेंट डिस्क्रिमिनेशन, सैटर्न शोज स्लेवरी। टेंथ हाउस में जो प्लैनेट होगा वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा कर्म डिसाइड करता है, एक बार आप कर्म करते करते एग्जीक्यूट। हाँ बिल्कुल, इनका टेंथ में सैटर्न है, सो ही एबॉलिश्ड स्लेवरी फ्रॉम यूएस। एक टेक्निक मैं भी कभी बताऊंगा सैटर्न का, दैट इज सैटर्न से कैसे, कौन सा कर्म सैटर्न इस बर्थ में आपसे खत्म तो करवाएगा, मतलब वो कर्मा है वो खत्म होने वाला है। आई विल सम अदरली, तो जुपिटर वीनस वाली टेक्निक देख लो आप, काम करिए आपने जिस तरह। तो ये चार्ट एक्यूरेट है, जीरो डिग्री का लगन है रेक्टिफिकेशन करके। तो इस चार्ट में आप, इनकी डेथ हुई, इनकी जो असैसिनेशन हुई वो हुई 15 अप्रैल 1865 को, 15th April 1865। ठीक है, 15th April 1865 के दिन शनि गोचर में लिब्रा राशि में था। 15 अप्रैल 1865 को शनि, आप चेक कर लेना, अभी तो हमारा टाइम नहीं है इतना कि हम एक एक एंट्री करके दिखाएं, लेकिन व्यूअर्स अपने आप चेक कर सकते हैं क्योंकि मैंने सारी डेट कैलकुलेट करके अपने पास रखी हुई है। बिल्कुल, तो उस दिन 15 अप्रैल को जब इनकी असैसिनेशन हुई 1865 में, सैटर्न इन ट्रांसिट वाज इन लिब्रा ओवर हिज राहु, नेटरल राहु, राहु इनका लिब्रा में है। लेट मी टेल आवर व्यूअर्स की असैसिनेशन सबका नहीं होगा कि शनि राहु के ऊपर जाए कुछ सबका डेथ हो गया, सबका वो हो गया, डेथ हो जाएगा या नहीं। इट टाइमिंग ऑफ इवेंट, प्रॉमिस ऑफ इवेंट पे डिपेंड करती है कि प्रॉमिस चार्ट में अगर इवेंट का होगा तो इवेंट होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे मंगल जब देह कारक इज विद राहु द ड्रैगन हेड, तो राहु मार्स का कॉम्बिनेशन अपने आप में चोट दुर्घटना असैसिनेशन, यानी राहु इज ईटिंग मार्स है ना, ड्रैगन हेड इज ईटिंग देह कारक मंगल। तो जब शनि का गोचर इसके ऊपर से हुआ राहु के ऊपर से, वो एक योग एक्टिवेट भी हो गया और वो एक एक्सीडेंटल डेथ हो गया, वो मतलब ट्रेजिडी हो गई। हाँ, और हमारी जो कंडीशन है सबसे मेन के शनि का राहु के ऊपर है, राहु का शनि के ऊपर गोचर, वो कंडीशन फुलफिल्ड है। चलो अब दूसरा चार्ट देखते हैं डॉल्फ हिटलर का। अच्छा एक सेकंड, बैक करके आ जाएगा। अडॉल्फ हिटलर, हाँ हिटलर, हिटलर लिख दो आप अपने आप। ओके लिब्रा लग्न, लिब्रा लग्न, एडॉल्फ हिटलर ने अपने आप को जो शूट करा था वो किया था 30th April 1945 को, 30 अप्रैल 1945 को इनकी डेथ हो गई थी, इन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था। उस दिन गोचर में शनि वाज इन जेमिनी, सैटर्न वाज इन जेमिनी, सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग ओवर इज राहु, कंडीशन फुलफिल्ड एग्जैक्टली। अब ये इतना एक्यूरेटली देखना,
आपके सब फॉलोअर्स को मैं बोलूंगा अपने चार्ट्स और अपने क्लोज वन के चार्ट्स में ये टेक्निक लगाओ, और स्टोरी पता होनी चाहिए आपको क्या हुआ था किसी के, हो सकता है किसी की जॉब चली गई हो, वो इतना परेशान हो गया हो, हो सकता है किसी के फैमिली में कोई क्लोज रिलेटिव की डेथ हुई हो, बिल्कुल है। लेकिन मेरे मेरे आप जरूर चार्ट में जब करिए। सैटर्न राहु के ऊपर से गया तो मेरी नानी का डेथ हो गया था। नाड़ी अच्छा ज्योतिष खुद आपके कहता है, हाँ नाड़ी ज्योतिष खुद कहता है कि सैटर्न ट्रांजिट ओवर राहु और सैटर्न ट्रांजिट ओवर केतु, आदमी को किसी की फाइनल राइट्स में जाना पड़ता है उस पीरियड के दौरान। करना पड़ता है ट्रू। हाँ तो और ये चीज ऐसी है 30 साल में एक बार होगी, ऐसा तो है नहीं कि दशा की तरह आधी आई जा रही है बार बार रिपीट हो जा और रही। ये सैटर्न के ये अलावा आप जुपिटर में भी अगर आप करेंगे तो जुपिटर में भी बहुत सारे चार्ट में ये मैच होगा कि जुपिटर ट्रांजिट ओवर राहु, यू लॉस, यू गॉट सेपरेटेड फ्रॉम समवन वेरी क्लोज, सेपरेशन। लेकिन मैं सैटर्न राहु इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि दोनों ए ग्रेड के मैलेफिक्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली तो इनका मैलिफिक रिजल्ट देने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। क्योंकि अब जुपिटर की आपने बात की तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, जुपिटर ओवर सैटर्न गिव्स जॉब, बेकार से बेकार आदमी भी जुपिटर ओवर सैटर्न में मैंने उसको जॉब करते हुए देखा है। कोई कितना ही बेरोजगार हो, अगर जुपिटर शनि के ऊपर जाके भी उसको जॉब नहीं मिली तो उसको मिलेगी भी नहीं, हाँ, इसका मतलब उसके चार्ट में कुछ बहुत प्रॉब्लम है। है ही नहीं उसका योग बिल्कुल, क्योंकि सैटर्न इज कर्म कार का, बिल्कुल जुपिटर शोज प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी ने जब आपके कर्म कारका को हिट करा गोचर में 12 साल में एक बार, तब भी अगर आदमी को जॉब प्रमोशन ना मिले तो मुश्किल है फिर, पर होता जरूर है। ये भी आपको सीक्रेट दे दिया मैंने, इसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई थी हाँ एग्जैक्टली जॉब वाली, उसमें मैंने ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था। इसलिए मैं मैलिफिक इवेंट्स के लिए सैटर्न राहु पे ज्यादा डिपेंड करता हूँ। एग्जैक्ट ठीक। और अभी हिटलर के चार्ट में हमने देखा कि किस तरह इनके डेथ वाले दिन सैटर्न ट्रांजिट में जेमिनी में था, इनके राहु के ऊपर, नेटल राहु के ऊपर 9th हाउस में। अब अगला चार्ट देंगे महात्मा गांधी का, गांधी आप सब गांधी टाइप कर लो तो अपने आप गांधी में सारे चार्ट्स आ जाएंगे ना। इंदिरा गांधी भी है। हाँ इंदिरा गांधी जी का भी चार्ट है, महात्मा गांधी खोल देते हैं पहले। ओके लिब्रा लगना, बिल्कुल महात्मा गांधी की असैसिनेशन हुई 30th जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948, ठीक है जी। जिस दिन डेथ हुई 30th जनवरी 1948 को, शनि गोचर में सैटर्न वाज इन कैंसर राशि ओवर हिज राहु, गोचर में शनि कैंसर राशि में थे, ओके, इनके नेटल राहु के ऊपर, राहु इनके इनके चार्ट में राहु कैंसर राशि में, तो शनि का राहु के ऊपर गोचर, अगेन कंडीशन हमारी फुलफिल्ड, बिल्कुल। ओके। आप डेट्स जो भी व्यूअर है डेट डाल के देख सकते हैं अपने आप, आपको और आपको गोचर का शनि देखना। जितने भी हमने अभी तक चार्ट डिस्कस किए हैं ना, सब में ट्रेजेडी है, मतलब सबका, किसी का असोसिएशन है, किसी का सुसाइड है। हाँ और अगला चार्ट अब गांधी में, इंदिरा गांधी आप ओके हाँ 11:11 रात के इंदिरा कर्क लगना। गांधी के चार्ट में दो इवेंट दूंगा आपको। पहला तो इनके हस्बैंड फिरोज गांधी की डेथ जो 8 सितंबर 1960, 8th सितंबर 1960 को हुई इनके हस्बैंड फिरोज गांधी की डेथ। उस दिन 8 सितंबर 1960 के दिन सैटर्न वॉर्स इन सेगिटेरियस राशि इन ट्रांजिट, गोचर में शनि धनु राशि में उनका गोचर था और धनु में इनका राहु है और वीनस भी है, बिल्कुल तो हमारा जो प्रिंसिपल था कि शनि का राहु के ऊपर या राहु का शनि के ऊपर गोचर, अगेन कंडीशन फुलफिल्ड है। आप देखिए इनके चार्ट में राहु धनु राशि में है, जिस दिन हस्बैंड की डेथ हुई उस दिन शनि गोचर में भी धनु राशि में थे राहु के ऊपर। बिल्कुल दूसरा इवेंट इनके बेटे संजय गांधी की जो डेथ हुई थी, जो एयर क्रैश में जो उनकी डेथ हुई थी, वो हुई थी 23 जून 1980 के दिन, 23rd जून 1980। उस दिन 23rd जून 1980 के दिन सैटर्न इन ट्रांजिट वाज इन
कैंसर राशि। ओके सॉरी राहु 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 वाज इन कैंसर राशि। राहु वाज इन कैंसर ओवर सैटर्न। तो जब संजय गांधी जी की डेथ हुई 23 जून 1980 के दिन, आप गोचर डाल के देख लेना, उस दिन राहु गोचर में राहु कर्क राशि में थे, यूजिंग मीन नोड्स, क्योंकि डिग्रीज 29 डिग्रीज आ रही थी मेरे पास। मीन नोड ही सबसे ज्यादा काम करता है राहु केतु का। अभी लोगों को लग रहा है कि राहु केतु का ट्रांजिट अब हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी हो चुका है राहु केतु का ट्रांजिट, इफेक्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं लोगों को 18 मार्च से। अगर आप सीएस पटेल जी की नाड़ी वाली बुक पढ़ोगे, वहां पे उन्होंने टेक्निक दी है ग्रैंडफादर की डेथ फाइंड करने की, डेट की, डेट ऑफ डेथ ऑफ ग्रैंडफादर उन्होंने अपने खुद के चार्ट में लगाई। वो एप्लीकेबली तब थी, वो जो जिस दिन उनके मतलब जैसे उन्होंने टेक्निक लगाई मीन नोट्स का यूज करके लहरी आयाम शा बिल्कुल वो दिन आ गया जिस दिन उनके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी एग्जैक्ट। आवाज बीच में कट गया सात्विक शायद। हेलो हाँ आप बोलो। हाँ तो सीएस पटेल जी की जो नाड़ी की बुक थी उसमें उन्होंने ग्रैंडफादर की डेथ की टाइमिंग की टेक्निक दी थी टू द डेट। जब मीन नोट्स का यूज किया गया हाँ तभी वो दिन आया जिस दिन उनके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी, एग्जैक्ट डेट आई है एग्जैक्ट डेट। और ट्रू नोट्स का यूज करके बिल्कुल नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। उन्होंने भृगु बिंदु की टेक्निक जो दी थी वो भी इंदिरा गांधी जी के चार्ट पे लगाई, तो जब वो टेक्निक लगाई तो राहु का ट्रांजिट भृगु बिंदु के ऊपर हुआ था और भी एक दो मैलेफिक्स का हुआ था, उसमें भी मीन नोट्स का यूज करके डेट आ रही थी इवेंट की। तो टू द डेट अगर मैं बोलूं तो मीन नोट्स ही रिजल्ट देती है। सीएस पटेल जी ने अपनी बुक में भी मीन नोट्स का यूज किया था, अपने चार्ट में भी जब ग्रैंडफादर की डेथ का दिन निकालना था तब भी वो यूज करा था। अब सीएस पटेल जी की नाड़ी वाली बुक पढ़िए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, काफी अच्छे से अच्छी टेक्निक्स मिलेंगी टू द डेट प्रेडिक्शन करने की। देखिए क्योंकि ट्रांजिट से हमें ये पता लग जा रहा है कि 30 साल में ये 2.5 साल खराब होंगे। अब हम लगन डिग्री का यूज करके डेट भी निकाल सकते हैं। अच्छा इस दिन लगन डिग्री के ऊपर शनि गोचर करेगा उस दिन सबसे खराब रिजल्ट आएंगे, या इस दिन भृगु बिंदु की डिग्री के ऊपर शनि ने गोचर किया इस दिन सबसे खराब इवेंट होगा। वो तो चलो डेट को तो हम कर देंगे नैरो डाउन, सूर्य का ट्रांजिट होता है, मंगल का ट्रांजिट होता है जिसपे आपने काफी अच्छी वीडियो बनाई है तो मंगल का ट्रांजिट यूज करके भी आप नैरो डाउन कर लोगे 2.5 साल में से निकाल लोगे, अच्छा 3-4 महीने ये क्रिटिकल होंगे। पर मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि 30 साल में कैसे उसको पिन पॉइंट करना है। अब एक तो संजय गांधी जी की डेथ थी 23 जून 1980 को जब राहु कैंसर में था इनके नेटल सैटर्न के ऊपर लगन में। दूसरे गांधी की डेथ थी 8 सितंबर 1960 में जब शनि गोचर में धनु के ऊपर धनु राशि में था इनके राहु के ऊपर। बिल्कुल राहु का शनि के ऊपर शनि का राहु के ऊपर दोनों फुलफिल्ड। बिल्कुल और चार्ट खोलते हैं लास्ट गांधी में ही संजय गांधी का चार्ट। आई थिंक नीचे होगा चार्ट वो। अच्छा संजय गांधी ना। हाँ संजय गांधी। हाँ आ गया आ गया। कैप्रिकॉन असेंडेंट। कैप्रिकॉन असेंडेंट शनि कुंडली में कर्क राशि में, ठीक है। संजय गांधी जी की डेथ कब हुई मैंने आपको डेट बताई 23 जून 1980 23 जून 1980 राहु इन ट्रांसिट वाज इन कैंसर एग्जैक्टली ओवर हिज सैटर्न। जब इनकी डेथ हुई 23 जून 1980 को संजय गांधी जी की, उस दिन 23 जून 1980 के दिन राहु गोचर में कर्क राशि में था इनके नेटल शनि के ऊपर। तो आप खुद देख लीजिए, मतलब अब आपके व्यूअर्स का काम है टेक्निक को टेस्ट करना। नहीं, बहुत अच्छा है, प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स मेरे एक्सपीरियंस में करियर के लिए। मैंने अपनी दो सबसे बेस्ट टेक्निक शेयर करी है, एक तो मैंने करियर वाली करी है जुपिटर का सैटर्न के ऊपर गोचर।
या सैटर्न का जुपिटर के ऊपर गोचर, या उसमें एक दो कंडीशंस और थी 10th लॉर्ड वाली, और एक ये टेक्निक, और एक और है जुपिटर का वीनस के ऊपर गिव्स मैरिज और मनी। व्हीकल और एक उसमें स्पेशल चीज थी कि जुपिटर का वीनस के ऊपर कैन ऑल्सो गिव व्हीकल। वीनस इज द कार्गो ऑफ व्हीकल, कार, कंफर्ट। मेरे पास कम से कम 20 नाड़ी ज्योतिष में वीनस इज फ्लैट, जो आप परचेज करते हैं घर। ओके बना बना जुपिटर वीनस के ऊपर से जाए तो कई बार आदमी फ्लैट खरीदता है। और नाड़ी और काफी क्लासिक्स वीनस को व्हीकल के लिए बोलते हैं। हाँ, मैंने कम से कम 50 चार्ट्स में चीज देख ली, जब भी जुपिटर का वीनस के ऊपर गोचर हुआ 12 साल में एक बार, तब कभी ना कभी घर में कोई ना कोई व्हीकल आई थी, इसमें कोई व्हीकल खरीद। बिल्कुल, इसीलिए कई बार हम लोग देखते हैं ना कि घर में लड़की पैदा हुई या घर में किसी की शादी हुई तो विद इन 5 to 6 months उसके घर में गाड़ी भी आई है, या विद इन, या उसके बर्थ से पहले 5-6 months गाड़ी आई है, क्योंकि वीनस इज द कार्क ऑफ फीमेल, वीनस इज द कार्क ऑफ व्हीकल, तो वो एक्टिवेशन एक साथ हो रहा है, तो वो दोनों चीजें एक साथ होती है। आपके चार्ट में भी आए थे दोनों चीजें एक साथ एक्टिवेट हुई थी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं ना बहुत सारे लोग रेमेडी बताते हैं कि गाड़ी खरीद लो तो शादी हो जाएगी, वो रेमेडी नहीं होता है, वो ऑलरेडी एक्टिवेशन हो रखा है, वो अपने आप ही चीज हो जाती है। हाँ, वो अपने आप। और मैं देख रहा हूँ आजकल मतलब लोग प्रिडिक्टिव पार्ट पे फोकस ही नहीं करना चाहते। टाइमिंग का तो काफी लोग, क्योंकि टाइमिंग में जो दशा के ट्रैप में फंस गया वो फंस गया। एग्जैक्टली, और दशा में से कोई एक ही तुक्का लगता है उसमें। और ये नाड़ी ऐसी चीज है कि पता है कि आज शनि का गोचर इस राशि में हुआ तो हुआ है, कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता उसमें, कोई अपनी एक्सेप्शन नहीं लगा सकता कि नहीं मैं तो शनि को आज टॉरस में लूंगा चाहे वो एक्वेरियस में हुआ होगा। एग्जैक्टली, यही बहुत अच्छा। मैं तो आप बोलोगे मैं ये नक्षत्र यूज करूंगा वो करूंगा, लेकिन गोचर में तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अच्छा आज शनि इस राशि में तो इसी में ही है। एग्जैक्टली, तो ये एक सिस्टम था। और भी इस टेक्निक का यूज करके और भी काफी टेक्निक्स डीकोड करेंगे और भी नई वीडियोस लाएंगे। सैटर्न का गोचर अगर राहु के ऊपर से हो जाए, सैटर्न तो जो भी सेवेंथ हाउस, जिस भी हाउस पे जाएगा सैटर्न का सेवेंथ एस्पेक्ट मारक हो जाता है सामने वाले। हाँ, सैटर्न का गोचर जहां भी हो गया और उसके सेवेंथ हाउस में अगर राहु केतु आ जाएंगे तो वहां पे जो भी, चाहे मंगल है, चाहे चंद्रमा है, चाहे शुक्र है, उसके लिए घातक हो जाएगा। अब वो लगा लीजिए कि फोर्थ हाउस आपका मदर है, मदर का मदर सेवेंथ हाउस हो गया तो नानी का डेथ हो जाएगा, या भाई बुआ, हाँ बुआ का है तो वो ऐसे लगाएंगे आप तो वो किसी ना किसी रिलेटिव का वहां पे आ जाएगा। अभी देखिए सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है ना, सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है अभी, और मान लीजिए मरकरी एक्वेरियस में गया तो मान लीजिए मरकरी वहां पे अफ्लिक्शन में है, मरकरी राहु के साथ है, मंगल के साथ है, तो बुआ या मामा के घर में ट्रबल क्रिएट हो जाएंगे। बिल्कुल, वो हमें थर्ड पर्सन प्रेडिक्शन का सीक्रेट दे दिया। हाँ, वो वहां पे डेथ होना या बुआ को बहुत दिक्कतें वाली चीजें होना, वो स्वाभाविक है। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए साथी, आज के वीडियो और टेक्निक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए, प्रणाम प्रणाम।